नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संध्या कंप्यूटर के YouTube प्लेटफॉर्म पे। देखिए फ्रेंड्स, 31 जुलाई को जो RSAT मुख्य एग्जाम होने वाला है और फ्रेंड्स हम लेके आए हैं आपके समक्ष वे महत्वपूर्ण प्रश्नों का पिटारा जो फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए एक रामबाण की तरह काम करेंगे। फ्रेंड्स, मैं पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पूर्व आपसे आग्रह करता हूँ कि फ्रेंड्स अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो आप इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, आने वाले जितने भी नए वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फ्रेंड्स, बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की ओर। आज के इस धमाकेदार सेशन के अंदर आप फ्रेंड्स सभी स्टूडेंट इन क्वेश्चन का आंसर देते रहे तो और फ्रेंड्स अंतिम में ये भी कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपके इस मॉडल पेपर से कितने सारे क्वेश्चन राइट हुए। तो फ्रेंड्स बढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने है। फ्रेंड्स कोशिश करें कि आपका यहाँ पे आंसर राइट हो और फ्रेंड्स अगर गलत होता है तो कोई बात नहीं, फ्रेंड्स आप अभी से फ्रेंड्स उस क्वेश्चन को याद रखें जो आपको नहीं आ रहा है। क्या पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, एक्सेल में बनी हुई फाइल का डिफॉल्ट नाम होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से लिया गया है, आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स ऑप्शन ए पे लिखा हुआ बुक फर्स्ट, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ डॉक्यूमेंट फर्स्ट, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है सीट फर्स्ट और ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है अनटाइटल्ड। मैं फ्रेंड्स मेरी ओर से मैं इस सभी ऑप्शन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी कमेंट कीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, मैं मेरी ओर से फ्रेंड्स इनका आंसर बताने की कोशिश करता हूं, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बात हो रही है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बाय डिफॉल्ट फ्रेंड्स जो नेम होता है फाइल का वो क्या हो जाएगा, बुक फर्स्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो फाइल तैयार की जाती है उस फाइल का बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है, बुक फर्स्ट होता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके सामने एमएस वर्ड की कभी बात होती है, यानी फ्रेंड्स आपको याद रखना जब वर्ड की बात होती है तो देखिए एमएस वर्ड होता है, उस एमएस वर्ड का फ्रेंड्स एक्सटेंशन नेम को आप छोड़िए, उस एमएस वर्ड का बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है, डॉक्यूमेंट फर्स्ट होता है। फ्रेंड्स सीट फर्स्ट नहीं होगा, अनटाइटल्ड जो लिखा हुआ है ये मेरे फ्रेंड्स किसका होता है, नोट पेड का बाय डिफॉल्ट नेम होता है। फाइल का क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट नेम नोट पेड का अनटाइटल्ड हो जाएगा। बुक फर्स्ट यहाँ पे किसका हो जाएगा, एक्सेल का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यही बात आपसे पूछी गई थी, करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। बिल्कुल फ्रेंड्स कमेंट कीजिए सभी स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट का इस तरह अपनी ओर से फ्रेंड्स आप जांचते रहे। फ्रेंड्स मैं मेरी ओर से सभी आंसर बताता रहूंगा, आप भी अपनी ओर से कमेंट कीजिए और फ्रेंड्स अपने लेवल अपनी तैयारी को फ्रेंड्स यहाँ पे चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर टू आपकी स्क्रीन के सामने है, पावर पॉइंट में बनाई प्रस्तुति को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में और एवरी टाइम ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है पावर पॉइंट से संबंधित। देखिए फ्रेंड्स, व्यू शो, स्लाइड व्यू, कस्टम व्यू या स्लाइड शो। देखिए फ्रेंड्स, हालांकि फ्रेंड्स आपको भले ही क्वेश्चन आता होगा, मैं मेरी ओर से बताता हूं, बिल्कुल फ्रेंड्स कमेंट कीजिए, मैं मेरी ओर से बताता हूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लाइड शो। यानी जब भी आप स्लाइड को फ्रेंड्स आप प्रदर्शित करना चाहते हैं, स्लाइड को प्रस्तुतित करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप स्लाइड शो का उपयोग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं मेरी ओर से एक और भी एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ। देखिए स्लाइड शो होता है, स्लाइड शो की शॉर्टकट की अगर आपसे पूछी जाती है तो मेरे फ्रेंड्स F5 करने हैं। क्या करनी है मेरे फ्रेंड्स, F5 शुरुआत से देखने के लिए, जबकि फ्रॉम बिगनिंग को न कहते हुए अगर करंट स्लाइड की बात होती है तो वहां पर फ्रेंड्स आप करेंगे शिफ्ट के साथ में F5। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन के सामने, बिल्कुल फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन के सामने है, निम्न में से कौन सा एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एवरी टाइम एग्जाम में बार बार रिपीट हो चुका है, आप सभी को याद रखना है, मैं मेरी ओर से बताने की कोशिश करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, एक नाम लिखा हुआ पोर्ट्रेट, ये पोर्ट्रेट होता है, ये फ्रेंड्स जो पेज का जो पृष्ठभूमि का प्रकार होता है, पेज आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है। बाय डिफॉल्ट फ्रेंड्स आप देखते हैं तो डिफॉल्ट जो एमएस वर्ड में जो आप कह सकते हैं ओरिएंटेशन का प्रकार होता है वो कौन सा होता है, पोर्ट्रेट होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला पेज है ये पोर्ट्रेट की श्रेणी में आएगा, जबकि बात होती है अगर लैंडस्केप की तो लैंडस्केप में मेरे फ्रेंड्स पेज आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, एक चौड़े फॉर्मेट में आपको दिखाई देगा, ये वाला कहलाएगा मेरे फ्रेंड्स लैंडस्केप। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है यहाँ पे बात हो रही है पेज ओरिएंटेशन की, मीन्स यहाँ पे ए और बी दोनों ये किसके प्रकार है, ओरिएंटेशन के प्रकार है, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा।
बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, क्वेश्चन को समझिए और आंसर देने की कोशिश करें। मेरे फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है आरएसएट एग्जाम के साथ साथ में अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें मेरे फ्रेंड्स कंप्यूटर के विषय को शामिल किया गया है तो फ्रेंड्स आपके लिए ये क्वेश्चन काफी ही इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने है, निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड में फॉन्ट स्टाइल नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एवरी टाइम फ्रेंड्स ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, आप सभी को याद रखना है। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड में फॉन्ट स्टाइल नहीं है। देखिए फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है, बोल्ड होती है, इस बोल्ड की शॉर्टकट कीज क्या होती है, कंट्रोल के साथ में बी होती है। मेरे फ्रेंड्स कंट्रोल के साथ में क्या होती है, बी होती है। रेगुलर, ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है, रेगुलर क्या होता है, तो रेगुलर डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल का प्रकार है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो फॉन्ट स्टाइल होती है पहले से वो डिफॉल्ट कौन सी होती है, तो डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल मेरे फ्रेंड्स कौन सी होती है, रेगुलर होती है। इटैलिक की बात होती है, कंट्रोल के साथ में आई इसकी क्या होती है, शॉर्टकट कीज होती है। बट आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक फॉन्ट स्टाइल का प्रकार नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन मेरी ओर से बता देता हूँ, ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सुपर स्क्रिप्ट होती है एक फॉन्ट इफेक्ट का प्रकार है। ये किसका प्रकार है मेरे फ्रेंड्स, फॉन्ट इफेक्ट का प्रकार है, ना कि फॉन्ट स्टाइल का। बिल्कुल जी हाँ मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने है, बाईं तरफ के किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। मैं फ्रेंड्स आपको मेरी ओर से भी बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी कमेंट कीजिए और बताने की कोशिश करें क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कई बार ही एग्जाम में पूछा जा चुका है। बाईं तरफ के अकेले अक्षर को हटाने के लिए या मिटाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ बैक स्पेस, बी पे लिखा हुआ डिलीट, सी पे लिखा हुआ एंटर और डी पे लिखा हुआ स्पेस बार। तो फ्रेंड्स कमेंट कीजिए और बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जी हाँ फ्रेंड्स बिल्कुल, यहाँ पे फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैक स्पेस हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स जो लाइन लिखी हुई होती है, जो फ्रेंड्स लाइन लिखी हुई होती है मेरे फ्रेंड्स, आप थोड़ा ध्यान देना, जो कोई लाइन लिखी हुई है, जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, अगर फ्रेंड्स यहाँ पे बाएं ओर से अक्षर हटाना चाहते हैं तो बैक स्पेस का उपयोग करेंगे, जबकि दाएं ओर के अक्षर को हटाना चाहते हैं तो डिलीट का उपयोग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दाएं ओर से अक्षर को हटाने के लिए डिलीट का उपयोग किया जाता है और बाएं ओर से हटाने के लिए बैक स्पेस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी कुंजी दबाने पर स्लाइड शो को समाप्त किया जा सकता है। फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप सभी स्टूडेंट को ध्यान रखना है और बताने की कोशिश करनी है क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। कौन सी कुंजी दबाने पर स्लाइड शो को समाप्त किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आशा है फ्रेंड्स ये सभी को फ्रेंड्स क्वेश्चन आता होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को ध्यान रखना है। मैं मेरी ओर से बताता हूँ, आप भी कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्केप कीज। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, एस्केप कीज, ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और सभी स्टूडेंट को ध्यान देना है और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 7 और पूछा जा रहा है मोशन पाथ क्या है। देखिए फ्रेंड्स अपने तैयारी के अंदर दीजिए एक नई जान, क्योंकि फ्रेंड्स वे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके समक्ष पेश किए जा रहे हैं, जो फ्रेंड्स एग्जाम में हर बार बनने की पूरी पूरी संभावना रहती है। फ्रेंड्स अंतिम समय तक आप इस चैनल के साथ में जुड़े रहना, निश्चित ही दावा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे परसेंटेज बनेंगे। मोशन पाथ क्या है, स्लाइड्स को बढ़ाने का तरीका है, एक स्लाइड को आइटम पर मूव करने की एक विधि है, एनिमेशन इफेक्ट का प्रकार है या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं मेरी ओर से बताने की ट्राई करता हूँ, आप भी कमेंट कीजिए। बिल्कुल फ्रेंड्स ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है, एक स्लाइड के ऊपर जो आइटम्स होती है उसको मूव करने की विधि कह सकते हैं, किसको, मोशन पाथ को। एमएस पावर पॉइंट से यह हर बार क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम की बात करे या और भी कंप्यूटर रिलेटिव जितने भी एग्जाम्स होता है, इसमें पावर पॉइंट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है मोशन पाथ के बारे में। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और
सभी स्टूडेंट को ध्यान देना है, बताने की कोशिश करेंगे मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में बात हो रही है। देखिए फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट भले ही आपको फ्रेंड्स शुरुआत में थोड़ी दिक्कत देगा, लेकिन फ्रेंड्स एक बार आप इन क्वेश्चन को याद रखिए और फ्रेंड्स कोशिश करिए इनको समझने की, निश्चित ही फ्रेंड्स आपको बहुत सारे जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये काफी फायदे के रूप में साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के सामने है। एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने, फ्रेंड्स ये थोड़ा आप याद रखिए कि एक वर्कशीट होती है, इसमें कॉलम या रो को या रो के टाइटल जो होते हैं उनको होल्ड करने है, तो ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वे स्क्रॉल ना हो, निम्न में से किसका उपयोग लिया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्लास के अंदर भी बताया था, आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है बात किसकी हो रही है। मैं मेरी ओर से बताता हूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रीज पेंस कमांड। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? फ्रीज पेंस कमांड यहां पे बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। बिल्कुल फ्रेंड्स, स्प्लिट कमांड का कार्य वहां पे टेबल या विंडोज को दो भागों में बांटने के लिए किया जाता है। यहां पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, फ्रीज पेंस कमांड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और सभी स्टूडेंट को याद रखना, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताने की कोशिश कीजिए और फ्रेंड्स कमेंट के द्वारा आंसर कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल में से चार्ट बनाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, यानी आप फ्रेंड्स चयनित सेल के अंदर एक चार्ट बनाना चाहते हैं, चार्ट बनाने के लिए फ्रेंड्स कौन सी कीज का उपयोग करेंगे, F3, F11, F5 या F7। आप सभी को याद रखना है मेरे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, चार्ट बनाने की बात हो रही है, आपके माइंड में एक ही शॉर्टकट की जानी चाहिए जब न्यू चार्ट की बात होती है, यानी फ्रेंड्स आपको याद रखना है जब चार्ट बनाने की बात हो तो आप सभी को याद रखना है फंक्शंस कीज की सेकंड लास्ट कीज F11 का उपयोग किया जाएगा। किसका उपयोग किया जाएगा? F11 का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, प्रोग्राम का संग्रह जो विशेष प्रयोजन के लिए लिखा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी स्टूडेंट को ध्यान रखना है इसका। फ्रेंड्स मैं मेरी ओर से आंसर बताने की कोशिश करता हूं, आप भी कमेंट कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। प्रोग्राम्स का दूसरा नाम क्या होता है मेरे फ्रेंड्स? सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ पे ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है, ये ही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के सामने है। एक खाली जगह नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करने से हैकर्स या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को रोकने में मदद कर सकता है। एक खाली जगह नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से, ये दो लाइन दो वर्ड आप याद रखिए कि खाली जगह नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंच करने वाले हैकर्स या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को रोकने में कौन मदद करेगा? ऑप्शन ए पे लिखा हुआ फायरवॉल, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ एंटीवायरस, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ कंट्रोल पैनल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं मेरी ओर से कमेंट करता हूं, आप भी कमेंट कीजिए मेरे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल फ्रेंड्स यहां पे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, फायरवॉल। क्या हो जाएगा? फायरवॉल हो जाएगा, एंटीवायरस नहीं बोलना है फ्रेंड्स, एंटीवायरस यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका नहीं होगा। यहाँ पे बात हो रही है नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करने वाले हैकर्स या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को रोकने में फायरवॉल का कार्य होगा। फ्रेंड्स आपकी सुरक्षा कौन करेगा वहाँ पे? फायरवॉल कार्य करेगा। देखिए फ्रेंड्स, फायरवॉल, एंटीवायरस ये सारे के सारे साइबर सिक्योरिटी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के सामने है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। एमएस वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके विशिष्ट पाठ के प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, यानी बिल्कुल फ्रेंड्स आपको याद रखना है जो होम मेन्यू के अंदर जो फॉर्मेट पेंटर होता है, इस फॉर्मेट पेंटर के बारे में बात हो रही है। फॉर्मेट पेंटर की मेरे फ्रेंड्स शॉर्टकट कीज क्या हो जाएगी, मैं मेरी ओर से कमेंट करता हूँ बिल्कुल, काफी सारे स्टूडेंट आप ध्यान देंगे यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी किसकी होती है? फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कीज होगी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एमएसपी का पूरा नाम बताइए। एमएसपी का पूरा नाम मेरे फ्रेंड्स, एमएसपी का पूरा नाम आपको बताना है, एमएसपी का पूरा नाम क्या होगा आप सभी को याद रखना है। मैं मेरी ओर से बता देता हूँ फ्रेंड्स, आप भी कमेंट कीजिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो जाएगा। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईपीडीएस का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, ये फुल फॉर्म भी आप याद रखने की कोशिश करें, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के सामने है और बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, किसका उपयोग दो या अधिक मोबाइल उपकरणों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स से बताने की कोशिश करेंगे सभी स्टूडेंट कि किसका उपयोग दो या दो से अधिक मोबाइल उपकरणों के बीच में जो फाइल होती है उनको स्थानांतरित करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। आप सभी की स्क्रीन के सामने ब्लूटूथ, गूगल मैप, राजस्थान संपर्क या गूगल ग्लास। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप एक दूसरे मोबाइल डिवाइस से कोई फाइल साझा करने के लिए ब्लूटूथ का उपयोग बिल्कुल करते होंगे। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लूटूथ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, बताने की कोशिश करेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के सामने है, विंडोज 10 पर फाइल या फोल्डर को लॉक करने में कौन सी एप्लीकेशन मदद कर सकती है। देखिए फ्रेंड्स, ये टॉपिक नंबर फ्रेंड्स 15 या 16वें नंबर टॉपिक से ये क्वेश्चन लिया गया है। आप सभी को याद रखना है कि जो फोल्डर लॉक होता है फ्रेंड्स, फोल्डर लॉक होता है ये फ्रेंड्स क्या कार्य करता है, फाइल और फोल्डर को लॉक करने में आपकी मदद करता है। एक एप्लीकेशन होता है जहां पे आप फाइल और फोल्डर को क्या कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। ऑप्शन सी यहां पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल फ्रेंड्स, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोर्टाना वॉइस स्पीच रिकॉग्निशन होता है, इसके माध्यम से यूजर कोई बोल के सर्च कर सकता है, एक एज ए फ्रेंड्स एक वॉइस पावर पर्सनल असिस्टेंट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के सामने है, जब यूजर खाली जगह पर माउस ले जाता है तो वह हैंड आकार का हो जाता है। फ्रेंड्स निम्न में से ऐसा इसमें कौन सा विकल्प है जो लागू करने पे जो माउस पॉइंटर है वो फ्रेंड्स इस तरह से फ्रेंड्स आपके एक हैंड के आकार में फ्रेंड्स परिवर्तित हो जाता है। यानी किसकी बात हो रही है, थोड़ा समझने की कोशिश करें। आप सभी को याद रखना है कि हैंड का आकार फ्रेंड्स जो भी होगा वो किसके अंदर होगा, जब आप फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट के अंदर क्या उपयोग करेंगे, हाइपरलिंक। जब भी हाइपरलिंक के वो लिंक के ऊपर आप माउस पॉइंटर को लेके जाएंगे तो उसका आकार हैंड के आकार का हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये जब भी क्वेश्चन बनता है तो आप करेक्ट आंसर किसको करेंगे, हाइपरलिंक को करेंगे। इसी हाइपरलिंक की शॉर्टकट की पूछी जाती है तो कंट्रोल के साथ में के होती है, क्या होती है मेरे फ्रेंड्स, कंट्रोल के होती है, ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के सामने, आईएसपी का पूरा नाम। फ्रेंड्स इंटरनेट के संदर्भ में आईएसपी का पूरा नाम एज इट इज फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है, बताने की कोशिश करेंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, आईएसपी का पूरा नाम पूछा गया है तो आप सभी को याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कमेंट कीजिए, मैं मेरी ओर से बताने की कोशिश करता हूं इसका करेक्ट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, आईएसपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है मेरे फ्रेंड्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कहां पे लिखा हुआ, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, मींस करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, बताने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिए और बताने की कोशिश करें, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा, कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है। मैंने आज इस मॉडल पेपर के अंदर सारे चारे के चारे फ्रेंड्स ये सभी टॉपिक जो 16 चैप्टर है उनका निचोड़ करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके समक्ष रखा है। रोजाना के तरह फ्रेंड्स हम बार बार इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित ही फ्रेंड्स आप एग्जाम के बाद में देखना एज इट इज फ्रेंड्स आपके हूबहू क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे, कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है। आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ भामाशाह, ईपीडीएस, राजसंपर्क या ई मित्रा। तो फ्रेंड्स नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए हम राजस्थान संपर्क का उपयोग करते हैं, कोई भी शिकायत होती है तो राजस्थान संपर्क के ऊपर हम यहाँ पे दर्ज करवा सकते हैं। इसके हेल्पलाइन नंबर मेरे फ्रेंड्स 181 होते हैं जिसके ऊपर कॉल करते हुए भी आप अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं समाधान के लिए। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, पैराग्राफ की प्रत्येक लाइनों को लेफ्ट और राइट मार्जिन के मध्य अलाइन कर देता है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पैराग्राफ होता है मेरे फ्रेंड्स इस पैराग्राफ के अंदर आपको ध्यान देना है,
जो लाइनें होती है वो लेफ्ट साइड से और राइट साइड से समान मार्जिन देके फ्रेंड्स उसको अलाइन करवाने का कार्य कौन करेगा? जस्टिफाई करेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जस्टिफाई हो जाएगा। सेंटर नहीं होगा, सेंटर बीच में रखने के लिए होता है। इस सेंटर की शॉर्टकट की आपको ध्यान रखना है, कंट्रोल के साथ में क्या होती है? ई होती है। आप सभी को याद रखना है जस्टिफाई की क्या होती है, कंट्रोल के साथ में क्या होती है मेरे फ्रेंड्स? जे होती है। आप सभी को याद रखना है इसके अलावा जो राइट की होती है वो कंट्रोल आर होती है और लेफ्ट की कंट्रोल एल होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, यूपीआई का पूरा नाम बताना है। मेरे फ्रेंड्स कमेंट कीजिए, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए फ्रेंड्स यूपीआई का पूरा नाम पूछा जा रहा है, यूपीआई का पूरा नाम आपको बताना है। देखिए कमेंट कीजिए, मैं मेरी ओर से बताने की कोशिश करता हूँ। आप सभी को याद रखना है इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? यूनिवर्सल नहीं बोलना है, यूपीआई में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, सभी स्टूडेंट ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बताने की कोशिश करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21, जिन फाइलों और फोल्डरों को आप हटाना चाहते हैं, जिन फाइलों और फोल्डरों को आप हटाना चाहते हैं उसके लिए अस्थायी रूप से कौन सा फोल्डर प्रदान करता है, यानी जो आप कंप्यूटर के अंदर से कुछ फाइल और फोल्डर्स को मिटाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स अस्थायी रूप से वो कहाँ पे सेव हो जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे, मैं मेरी ओर से बता देता हूँ, करेक्ट आंसर हो जाएगा रिसाइकल बिन। क्या हो जाएगा? रिसाइकल बिन। अगर आप शिफ्ट के साथ में डिलीट करते हैं तो फाइल परमानेंटली रिमूव हो जाती है, वो रिसाइकल बिन के अंदर उपस्थित नहीं होती है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, बताने की कोशिश करेंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। निम्न में से एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आप फ्रेंड्स इसको सही से समझेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा एंटीवायरस का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है। देखिए फ्रेंड्स नॉर्टन होता है, देखिए फ्रेंड्स कैस्पर इसके भी होता है, क्विक हिल भी होता है, जबकि नेटस्केप नेविगेटर लिखा हुआ है। ये मेरे फ्रेंड्स किसका प्रकार है? नेटस्केप नेविगेटर फ्रेंड्स वेब ब्राउजर का उदाहरण है। बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि ये एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है। 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स उम्मीद है अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक भी अवश्य कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपकी लाइक से हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। हम फ्रेंड्स आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे फ्रेंड्स क्वेश्चन आपके समक्ष पेश करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर और लाइक करने में फ्रेंड्स किसी भी प्रकार की कमी ना रखें। क्वेश्चन नंबर 23, डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू क्या कहलाती है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 60 से संबंधित बनने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकता है डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू। जब डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू की बात होती है सीधा ही आप चले जाइए किसके ऊपर, मैं मेरी ओर से बताता हूं, आप भी ट्राई कीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है डेटा लेबल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेटा लेबल्स हो जाएगा। जबकि ग्रिड लाइन की बात होती है तो चार्ट एलिमेंट होता है, इस चार्ट एलिमेंट में दिखने वाली जो हॉरिजेंटली और वर्टिकली जो लाइनें होती है इनको फ्रेंड्स क्या कहा जाता है? ग्रिड लाइन कहा जाएगा। तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी यहां से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन के और सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, कोशिश करेंगे बताने की राइट आंसर क्या होगा। बाईं तरफ के किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन आर रिपीट। फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बैक स्पेस हो जाएगा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन किस कारण की वजह से दोबारा आ गया आप सभी को याद रखना है, बाईं ओर से मिटाने के लिए बैक स्पेस, दाईं ओर से मिटाने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? डिलीट का उपयोग किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, कमेंट कीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, क्या है इसका राइट आंसर बताने की कोशिश करेंगे। वह कौन सा डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में परिवर्तित करने का कार्य करता है? आप सभी को याद रखना है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इंटरनेट कनेक्टिविटी के टाइप्स में से लिया गया है। डिजिटल को एनालॉग, एनालॉग को डिजिटल, यानी बात किसकी हो रही है?
ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है मॉडेम की। इस मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। आप सभी को याद रखना है इस मॉडेम का जो पूरा नाम होता है वो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा गया है। डीएसएल की बात करें, एक केबल का प्रकार होती है जो आईएसपी के माध्यम से मॉडेम तक डेटा लाने का कार्य करती है। वाईफाई, आप सभी को याद रखना है वायरलेस फिडेलिटी इसका पूरा नाम होता है और जिसके माध्यम से इंटरनेट की सेवा हम प्राप्त करते हैं, चाहे मोबाइल की बात करें, डेस्कटॉप की बात करें, आईएसपी का पूरा नाम उसके अंदर क्या होगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा। मींस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉडेम हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर ये पूछा जा रहा है मेरे फ्रेंड्स कि पैन कार्ड के आवेदन के लिए कौन सी वेबसाइट है। आपके समक्ष चार जो विकल्प दे रखे हैं उनमें से पहचान करनी है कि पैन कार्ड का आवेदन करने के लिए किस पोर्टल का उपयोग करेंगे, NSDL, UIDAI, ITR या कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स, मैं मेरी ओर से बता देता हूँ, NSDL ये किसके लिए हो जाएगी? पैन कार्ड के लिए। UIDAI ये हो जाएगी मेरे फ्रेंड्स किसके लिए? आधार कार्ड के लिए हो जाएगी। ये किसके लिए हो जाएगी? आधार के लिए हो जाएगी। इसका पूरा नाम क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI का पूरा नाम होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड। ये किसका हो जाएगा? NSDL का पूरा नाम हो जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न ITR का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, कोशिश करेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर ये पूछा जा रहा है मेरे फ्रेंड्स कि कौन सी मेमोरी में डेटा को बिजली के सिग्नल से मिटाया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, जो रोम होती है उस रोम के अंदर आपको कंफ्यूजन थोड़ा हो सकता है क्योंकि फ्रेंड्स एक जगह पे ओनली फॉर ई लिखा हुआ है, एक जगह पे मेरे फ्रेंड्स दो बार ई लिखा हुआ है। तो देखो, एक बार ई लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको याद रखना है यूवी किरणों के द्वारा, अल्ट्रा वायलेट जो किरणें होती है उनके द्वारा जो डेटा मिटाने के लिए ईपी रोम का उपयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है बिजली के सिग्नल, यानी किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रिकल की बात हो रही है, इलेक्ट्रिकल की बात हो रही है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक की बात होती है। तो आपको याद रखना बिजली के सिग्नल के द्वारा डेटा मिटाने के लिए ईईपी रोम यानी इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, डी रैम का पूरा नाम होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ईपी रोम का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम का पूरा नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जबकि डबल ईपी आरओएम का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे बिजली के सिग्नल की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक की बात हो रही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और बूटिंग क्या है मेरे फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी को याद होना चाहिए बूटिंग क्या होता है। तो किसी कंप्यूटर को स्टार्ट करना या रीस्टार्ट करना, आप सभी को याद रखना है यहाँ पे करेक्ट आंसर के अंदर हम किसको देखेंगे? कंप्यूटर को स्टार्ट करना ही क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। कंप्यूटर के अंदर जो स्टार्ट होने की प्रक्रिया होती है वो मेरे फ्रेंड्स बूटिंग की श्रेणी में आती है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर ये पूछा जा रहा है विंडोज 10 में किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। देखिए मेरे फ्रेंड्स, विंडोज 10 में किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो निम्न में से हम किसका उपयोग करेंगे? आपके सामने ऑप्शन ए पे लिखा हुआ कोटाना, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है मैथ इनपुट पैनल, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है स्निपिंग टूल्स, ऑप्शन डी पे लिखा हुआ विंडोज स्टोर। तो आप सभी को याद रखना है जब स्क्रीनशॉट की बात हो रही है, मैं मेरी ओर से बता देता हूं, आप भी कमेंट कीजिए, स्निपिंग, देखो यहां पे क्या हो जाएगा? स्निपिंग टूल्स हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्निपिंग टूल्स हो जाएगा। मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैथ इनपुट पैनल का उपयोग किया जाता है। वॉइस पावर पर्सनल असिस्टेंट, वॉइस रिकॉग्निशन यहां पे कौन सा हो जाएगा? आप सभी को याद रखना वॉइस पावर पर्सनल असिस्टेंट के अंदर कोर्टाना हो जाएगा। और विंडोज स्टोर मेरे फ्रेंड्स, जिस तरह से आप मोबाइल पे गूगल प्ले स्टोर के द्वारा आप ऐप वगैरह इंस्टॉल करते हैं, तो इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर विंडोज 10 में विंडोज स्टोर के माध्यम से एप्लीकेशन को हम डाउनलोड कर सकते हैं, गेम्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। किसके माध्यम से? विंडोज स्टोर के माध्यम से। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और एक्सेल 2003, एक्सेल 2007, एक्सेल 2010,
इनका क्रमशः हमें क्या बताना है, एक्सटेंशन नेम बताना है। इन फाइलों का क्रमशः एक्सटेंशन नेम क्या हो जाएगा, तो देखिए 2003 के अंदर आपको याद रखना है XLS हो जाएगा, क्या हो जाएगा XLS हो जाएगा। 2007 के अंदर क्या हो जाएगा XLSX हो जाएगा, और 2010 के अंदर भी क्या हो जाएगा XLSX। यानी आपको याद रखना है कि 2007 और 2010 का क्या होता है, एजेट इज सेम होता है, जबकि 2003 के अंदर जो XLS के बाद में X लगा हुआ है ये नहीं था, ओनली फॉर XLS था। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिए और बताने की कोशिश करेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, और ये पूछा जा चुका है आपसे इसके अंदर कि एमएस पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट डुप्लीकेट स्लाइड की बात हो रही है, डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कीज का उपयोग करेंगे। तो आप सभी को सीधा सीधा याद रखना है डुप्लीकेट स्लाइड की बात हो रही है, मैं मेरी ओर से बता देता हूँ फ्रेंड्स, कंट्रोल डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा कंट्रोल डी हो जाएगा। दो जगह पे कंट्रोल डी लिखा हुआ है, एक जगह पे आप क्या कर लीजिए कंट्रोल एम कर लीजिए। कंट्रोल एम का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है न्यू स्लाइड, यानी डुप्लीकेट ना बोल के अगर आपको ये पूछा जाए कि न्यू स्लाइड की शॉर्टकट कीज क्या होती है तो आप बोलेंगे कंट्रोल एम होती है, जबकि यहाँ पे न्यू स्लाइड का ना पूछा जाके आपको किसका पूछा जा रहा है डुप्लीकेट स्लाइड का, तो डुप्लीकेट स्लाइड का मेरे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा कंट्रोल के साथ में डी हो जाएगा, जबकि कंट्रोल एन किसकी होती है न्यू फाइल की होती है, किसकी होती है न्यू फाइल की, न्यू स्लाइड की क्या होती है कंट्रोल एम होती है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हमने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस वीडियोज के माध्यम से करने की कोशिश की है, आप सभी को याद रखना है आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और फ्रेंड्स आरएसआरटी मुख्य एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। एक बार फ्रेंड्स आप इन क्वेश्चन को आप व्यवस्थित पढ़िए, और फ्रेंड्स आप इसी तरह से आने वाली रोजाना क्लास है उनको भी अवश्य देखिए, निश्चित ही दावा करते हैं बहुत फ्रेंड्स यहाँ से अच्छे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी ISO मानक है, यानी सूचना सुरक्षा प्रबंधन के लिए इनमें से कौन सी एक ISO मानक है, ISO 9000, ISO 1400, ISO 2200 या ISO 27001। मेरे फ्रेंड्स सभी स्टूडेंट को आता होगा, यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ, ये क्वेश्चन जो है वो टॉपिक नंबर RSRT के 14 से लिया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ISO 27001 यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी को याद रखना है, क्वेश्चन कई बार ये रिपीट हो रहा है आपको भी याद रखना है। विंडोज 10 में ब्राइटनेस, स्पीकर, वॉल्यूम, बैटरी स्टेटस आदि या वायरलेस नेटवर्क स्क्रीन रेजुलेशन आदि के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, ये आपके सामने विकल्प दे रखा है, ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करना, स्पीकर की वॉल्यूम को कम ज़्यादा करना, बैटरी की स्थिति को सेट करना, वायरलेस नेटवर्क को सेट करना, स्क्रीन की रेजुलेशन को देखना, ये सारे ये जो आपके समक्ष जो विकल्प दे रखे हैं ये इनमें से किसके अंदर उपस्थित होता है, मैथ इनपुट पैनल के अंदर, वर्ड पेड के अंदर, विंडोज मोबिलिटी सेंटर के अंदर या स्निपिंग टूल्स के अंदर, कमेंट कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, आप सभी को याद रखना है। मैं मेरी ओर से कमेंट करता हूँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल फ्रेंड्स विंडोज मोबिलिटी सेंटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर विंडोज मोबिलिटी सेंटर यहाँ पे राइट होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, विंडोज 10 में वेब ब्राउजर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, आप सभी को याद रखना है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विंडोज 10 में वेब ब्राउजर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, गूगल क्रोम का, माइक्रोसॉफ्ट एज का, ओपेरा मिनी या यूसी वेब। तो आप सभी को याद रखना है कि विंडोज 10 में बाई डिफॉल्ट रूप से जो वेब ब्राउजर इस्तेमाल होता है उसका नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज है। इसी माइक्रोसॉफ्ट एज को विंडोज 7 में वगैरह क्या कहा जाता था, एक्सप्लोरर के नाम से जाना जाता था, यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर था ये, उसी का फ्रेंड्स अपडेट करके उसका नाम क्या रखा गया है, माइक्रोसॉफ्ट एज किया गया है। और इस मॉडल पेपर का सबसे अंतिम क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट मेरे फ्रेंड्स से कमेंट कीजिए और बताने की कोशिश करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 35, पैराग्राफ को दाएं या बाएं मार्जिन से दूर ले जाना है ना, पैराग्राफ फ्रेंड्स मैं समझाता हूँ, ये जो पैराग्राफ होता है पेज होता है, इस पेज के अंदर जो मार्जिन जो फ्रेंड्स लिखने का प्रकार होता है लेफ्ट और राइट साइड, यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ से लगा के यहाँ तक
यानी आपको याद रखना है कि जो दाएं और बाएं मार्जिन से दूर ले जाने के लिए हम खाली जगह को संदर्भित करता है। देखिए लाइन स्पेसिंग, अलाइनमेंट, इंडेंटिंग या बुलेट और नंबर लिस्ट। तो मैं मेरी ओर से कमेंट करके देखो, मैं मेरी ओर से आंसर बताता हूँ, आप भी कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं फ्रेंड्स बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडेंटिंग हो जाएगा। देखो पैराग्राफ लेवल को बढ़ाना, इंक्रीज करना तो इंक्रीज इंडेंट कहलाता है, जबकि पैराग्राफ लेवल को पुनः कम करना डिक्रीज इंडेंट कहलाता है। तो ये दो प्रकार के मेरे फ्रेंड्स इंडेंट लेवल होता है, एक तो होता है इंक्रीज होता है, एक तो क्या होता है इंक्रीज होता है, और एक मेरे फ्रेंड्स क्या होता है डिक्रीज होता है। ये फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को याद रखना है इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट के माध्यम से जो पैराग्राफ का इंडेंटिंग लेवल होता है उसको कम या ज्यादा किया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हम आपके लिए लेके आए थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन। फ्रेंड्स आरएसआरटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकता है, आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकता है। फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलेंगे कल एक और अन्य वीडियो के साथ में। विश यू वेल, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।